नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज हम भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी वर्तमान में मुख्यमंत्री और गवर्नर से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है अमरावती और वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है विश्वाभूषण हरिचंदन। अगला है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है BD मिश्रा। अगला है असम। सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए, ये है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। असम के वर्तमान में गवर्नर है जगदीश मुखी। अगला है बिहार। मैप में देखिए, ये है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और वर्तमान में बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। अगला है छत्तीसगढ़। मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर है अनसुईया उइके। अगला है गोवा। ये आप मैप में देखिए, ये है छोटा सा राज्य गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गोवा के वर्तमान में गवर्नर है सत्यपाल मलिक। दोस्तों, आप इस वीडियो का बेस्ट PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपको ऐसा PDF कहीं और नहीं मिलेगा। आप उस PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है गुजरात। गुजरात को सबसे पहले आप मैप में देखिए, यह है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला है हरियाणा। सबसे पहले आप मैप में देख लें, ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल और हरियाणा के राज्यपाल है वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य। अगला है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला है झारखंड। सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए, ये है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री है जो हाल ही में बने हैं, उनका नाम है हेमंत सोरेन और झारखंड के वर्तमान में गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अगला है कर्नाटक। मैप में देखिए, ये है कर्नाटक। कर्नाटक के राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल है वाजू भाई वाला। अगला है केरल। आप मैप में देखिए, ये छोटा सा राज्य ये है केरल और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अगला है मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश को देखिए, ये आपको बीच में दिख रहा होगा, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है कमलनाथ और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है लालजी टंडन। अगला है महाराष्ट्र। सबसे पहले आप मैप में देखें, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है हाल ही में बने हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला है मणिपुर। आप मैप में देखें, ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। मणिपुर के वर्तमान में गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला है मेघालय। मेघालय को आप मैप में देखिए, ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और मेघालय के वर्तमान में गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। अगला है मिजोरम।
मैप में देखिए, ये है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पीयू जोराम थांगा और मिजोरम के वर्तमान में गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है। अगला है नागालैंड। नागालैंड के मैप देख लीजिए, यह है नागालैंड और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल है आर एन रवि। अगला है ओडिशा। आप मैप में देखिए, यह है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर गणेशी लाल है। अगला है पंजाब। सबसे पहले आप मैप में देखिए, यह है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। अगला है राजस्थान। यह आप देखिए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला है सिक्किम। सिक्किम को सबसे पहले आप मैप में देखिए, यह है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पीएस गोले और सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगला है तमिलनाडु। सबसे पहले आप मैप में देखिए, यह आपको दिख रहा होगा नीचे में, यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है टीई के पलनीसामी और तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला है तेलंगाना। सबसे पहले आप मैप में देखिए, यह है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर तमिली साई सौंदरा राजन है। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा को मैप में आप देखिए, यह है छोटा सा राज्य त्रिपुरा और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और त्रिपुरा के वर्तमान में गवर्नर रमेश बैस है। अगला है उत्तर प्रदेश। आप मैप में देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अगला है उत्तराखंड। सबसे पहले आप मैप में देखिए, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रम सिंह रावत है और उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को आप मैप में देखिए, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर जगदीप धनखड़ है। दोस्तों, 28 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का बेस्ट पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ऐसा पीडीएफ आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश को। तो ये है सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली का मैप देखिए, यह है दिल्ली और दिल्ली के राजधानी है दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में गवर्नर नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी को आप मैप में देखिए, यह है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 जिला है। दोस्तों, ये चारों जिला सभी अलग अलग जगह पर है और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री वी नारायण सामी है और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप। ये मैप में है, आपको मिल गया होगा। ये है अंडमान और निकोबार द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी काफ़ी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल डी के जोशी। अगला है चंडीगढ़। मैप में देखिए, यह है
चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीपी सिंह बदनौर है। अगला है दादरा और नगर हवेली। आप मैप में देखिए, यह है दादरा और नगर हवेली और दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है और दादरा और नगर हवेली के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रफुल्ल पटेल है। अगला है दमन और द्वीप। दमन और द्वीप की मैप देखिए, यह है दमन और द्वीप, गुजरात में आपको दिख रहा होगा, उन्हीं के मैप में मिल गया होगा आपको दमन और द्वीप। दमन और द्वीप की राजधानी दमन है और दमन और द्वीप के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रफुल्ल पटेल है। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को मैप में देखिए, यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिनेश्वर शर्मा है। अगला है जम्मू और कश्मीर, जो कि भारत के हाल ही में बना है केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और कश्मीर का मैप देखिए, यह आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा जम्मू और कश्मीर और राइट साइड में दिख रहा होगा लद्दाख, और यही दो केंद्र शासित प्रदेश बना है जो हाल ही में बना है और कुल मिलाकर अब भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और सबसे इम्पोर्टेंट, जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा। जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है लद्दाख। आप मैप में देखिए, ये जम्मू कश्मीर के दाहिने साइड में नीले रंग का दिख रहा होगा लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, और ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि पहले हैं, ये है राधा कृष्ण माथुर। तो दोस्तों 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हो चुके हैं, और वीडियो आप इस वीडियो का PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों एक प्रश्न अब आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है आपके लिए, RBI के गवर्नर कौन है? ऑप्शंस आपके हैं उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन या फिर अरविंद बोबड़े। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? दोस्तों वैसे आपको ध्यान रखना है, RBI का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब आपको यही बताना है कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही सही जवाब आप नीचे कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो का बेस्ट PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।